ये काफी सारे टूल हैं जो बेसिक से लेके एडवांस तक के टूल हैं जो हमारे भाई नया काम स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं यार हमें कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप ओपन करनी है या घर में अपना काम पार्ट टाइम में काम करना है, तो इस किट को लेके आप कोई भी आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सब चीज़ का प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको एक बाय करना है एक कर सकते हैं या पूरी लिस्ट के हिसाब से बाय करना है तो सारे के सारे बाय कर सकते हैं। वीडियो तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको हमेशा नया चीज दिखाता हूँ, नए के साथ साथ हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका बेनिफिट होना चाहिए। तो भाई कई भाई ऐसे होते हैं जो हमारे इस लाइन के अंदर बिल्कुल नए आते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमें कौन कौन से टूल्स लेने चाहिए, हमारा बेसिक है तो मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है और आप बेसिक टूल जो होते हैं हमें क्या क्या लेने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भाई हर तरह के टूल है, तो हर तरह के टूल के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि मैं आपको पूरी डिटेलिंग समझा सकूं, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती हुई है तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप टूल देख रहे हैं ये अगर इसके अंदर आप छोटी सी अगर सुई भी परचेस करेंगे ना, उसका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट करके अपने जरूरत के हिसाब से ले लेना। बाकी इसके अंदर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, जो मोबाइल से रिलेटेड टूल्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक टूल्स इसके अंदर आ गए। उसके अंदर चाहे वो फैल्कोन हो या कटर हो या सेपरेटर हो, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो, सारी चीजें इसके अंदर दिखाने वाला हूं। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने फटाफट से इसके ऊपर से सब कुछ हटा रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई ये जो किट है, ये मेरे पास ये आई है एम केयर की तरफ से, ये रहा एम केयर ने किट दिया आप सबको दिखाने के लिए कि भाई एक बार ही दिखाइए इन हमारे भाइयों को कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। भाई इसके अंदर होने के लिए तो यार इतनी सारी चीज़ें, कैमरे के अंदर भी ये कैप्चर नहीं कर पा रहा, चलिए कैमरे को दूसरे मोड़ पे मैं कर लेता हूँ। तो भाई ये रही इसके अंदर चीज़ें। अगर प्रोडक्ट की स्टार्टिंग की बात करें तो भाई ये देख रहे हैं ना, ये 5 या 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ये होती है एक जंपर वायर, 5 या 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो देख रहा हूँ मैं, जैसे कि दो जंपर वायर निकली है हमारी, दो जंपर वायर के साथ साथ भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसके अंदर एक निकला है हमारा ग्लू क्लीनर, एक निकला ये ग्लू क्लीनर। अगर आप LCD वगैरह का काम करेंगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्लू क्लीन करने की, एक वो निकल गया और एक ये देख रहे हैं साथ में ये निकल गया हमारा क्लीनर, ये होता है फाइनल टच के लिए। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। उसके बाद भाई ये यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं एक निकलता है ये PCP स्टैंड, ये उन भाइयों के लिए काम आता है जो नया काम करने के लिए सोच रहे हैं। PCP स्टैंड के अंदर इसके अंदर क्या खासियत है, यहाँ पर IC के डिज़ाइन इसके अंदर बनाए गए, इसके अंदर आप अलग अलग तरह से आप IC भी इसके अंदर रिबोल कर सकते हैं, रिबोल के साथ साथ क्लीन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ना मैक्स गोल्ड का ये फ्लक्स आया है। फ्लक्स ये क्या होता है भाई, ये लिक्विड फ्लक्स होता है, ये रहा, ये दिखने के लिए तो भाई देखो इस टाइप का दिखता है और दिखने के लिए भाई ये होता लिक्विड वाला है। ये क्या काम आता है, ये भाई हमारे सोल्डिंग वगैरह करने के ये काम आने वाला है आपके। तो भाई इतना ही नहीं, इसके बाद भाई एक निकलती है हमारी इस टाइप की, ये देख रहे हैं ना 100% कॉपर वायर, शायद आपको इतना अगर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो लिखा है ना ये कॉपर वायर, तो कॉपर वायर ही आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये क्या काम आती है भाई, इस टाइप की ये होती है, इसके अंदर इस टाइप की हमारी वायर निकलती है, ये जैसे कि देख रहे हैं भाई। ये जैसे ये तो वो वाली याद दिला रही है जैसे पुरानी फिल्मों पुराने टाइम में जो रीलें होती थी ना, उस टाइप की रील ये याद दिला रही है भाई, ये होती है हमारी। ये काम क्या करती है, ये भाई काम करती है हमारी कोई भी IC के नीचे का जो एक्स्ट्रा शोल्डर होता है ये उसको हटाने के लिए काम आती है। इतना ही नहीं भाई, ये देखो एक चीज़ और देख पा रहा हूँ मैं, ये रहा, तो पहले एक बार ये देख लो, ये देखने के लिए भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये मैक्स पम्मा का आयरन स्टेशन है, मैक्स पम्मा का आयरन स्टेशन है। तो ये क्या निकलने वाला है भाई, ये निकलने वाला है सिर्फ आयरन जो आप रखते हैं ना, ये वो स्टैंड निकलने वाला है, आयरन स्टैंड। तो भाई ये रख दिया आयरन स्टैंड, ये भी एक साइड रख देते हैं। आयरन स्टैंड के बाद भाई हमें ज़रूरत पड़ती है रिपेयरिंग करने के लिए एक आयरन की, तो उसके अंदर ये एक आयरन भी निकलने वाला है। ये भी कौन सी कंपनी का, ये भी मैक्स पम्मा का, ये आपको आयरन निकलने वाला है। और आयरन के अगर अंदर यहाँ की बात करें पीछे की, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं 25 वाट का आयरन है, 220 से ये चल जाता है। और बात करें तो मेड इन इंडिया ही आयरन रहने वाला है भाई। इतना ही नहीं निकलने वाला, इसके अंदर एक फ्लक्स केबल, फ्लक्स पेस्ट निकलने वाली है इस टाइप की, ये भी आप देख रहे होंगे, ये रिलाइफ कंपनी है ऊपर लिखा हुआ है। बाकी भाई मैं आपको बता दूं ये रिलाइफ की नहीं होती, ये मेड इन इंडिया ही होती है। बाकी ये कि स्टार्टिंग के लिए जबरदस्त है। एक निकलता है भाई मैक्स का, ये निकलता है आयरन, ये जो मैक्स का देख रहे हैं ना, मैक्स का आयरन, ये ओपन करते हैं इसे, मैक्स गोल्ड के नाम से ये आखिर ये आया है, तो इसके अंदर क्या आया है चलिए वो देखते हैं। तो भाई इस तरह का ये एक आयरन होता है, ये रहा। तो भाई ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर जो होता है ये रेगुलेटर होता है, इससे आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर एक पेन दिया होता है जो कि हमारी माइक्रो जो होता है लेवल, माइक्रो लेवल का सोल्डरिंग काम करने के काम आता है। ये रहा भाई हमारा वो वाला आयरन।
तो भाई एक चीज और देखो, ये सबसे पहले मैं इसी को निकाल लेता हूँ, ये बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा जगह घेर रही है इसके अंदर। भाई ये निकलती है इसके अंदर एक SMD, इसको बाद में देखेंगे। SMD के साथ साथ भाई एक और बड़ी चीज है इसके अंदर, ये और है, एक निकलता है इसके अंदर सेपरेटर, ये रहा, इसको भी बाद में देखेंगे, पहले ये चीजें देख लेते हैं। चलिए मैं पहले एक बार कार्टून खाली कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर भाई क्या क्या चीजें हैं। और तो भाई यहाँ पर मैंने सारी चीजें फैला ली है। ये जो किट है ये उन भाइयों के लिए जो हमारे भाई नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो बेसिक करने के लिए सोच रहे हैं। अगर इस मल्टीमीटर की भी बात करें ना, तो 100 रुपए के आसपास की रेंज में ये आता है, 110 या 120 रुपए के आसपास होना चाहिए ये। इसके अलावा इसके अंदर कुछ केबल भी निकलती है, केबल के साथ साथ एक टूल किट निकलती है। तो चलिए मैं आपको 1x1 करके दिखाता हूँ। भाई इसके अंदर निकलती है एक टूल किट इस टाइप की, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं फिर देखते हैं। तो भाई ये निकलती है इसके अंदर टूल किट, इसके अंदर कोई भी एक ऐसा स्क्रू नहीं होगा जो इससे आप ना खोल पाए, ये मल्टी होती है इसके अंदर, यहाँ पर इस टाइप से होता है और यहाँ से कोई भी हम अपना ये निकाल सकते हैं, मतलब ओपनर, और इसके ओपनर की मदद से कोई भी स्क्रू ओपन कर सकते हैं। तो भाई इस टाइप की टूल किट मिलने वाली है, और ये इसके अंदर एक छोटा सा ये एडजस्टर भी है, जहाँ पर ये स्क्रू नहीं जा रहा होगा, मतलब ये बिट नहीं जा रही होगी, वहाँ से इससे आप बड़ा करके उसको खोल सकते हैं। तो ये थी भाई एक टूल किट इस टाइप की, और ये टूल किट एक नहीं, ये 32 in 1 है, मतलब इसके अंदर जो ये मतलब मल्टीपर्पज़ दिए गए, इसके अंदर 32 दिए गए 32। तो भाई ये है इसके अंदर एक M-Care की केबल, M-Care की केबल जो निकलती है, आप जब रिपेयरिंग के लिए नया सेटअप डालेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़ा ना बार बार घर से केबल लेने आएंगे। तो ये निकलती है भाई हमारी PD केबल निकलती है, जो कि टाइप सी होती है, वो वाली केबल ये आपको दिखने वाली है। तो जिस तरह से ये आपने देखा टाइप सी दिखने वाली है, इस तरह से आपने देखा ये दूसरी वाली दिखने वाली है, USB to Type-C वाली दिखने वाली है। तो भाई ये थी हमारी ये अलग से एक, और उसके बाद भाई और भी चीज़ें आती है। ये है ओपनर, ये ओपनर आता है भाई क्या काम आता है, जो मोबाइल को ओपन करने के काम आता है, बैटरी निकालने के काम आता है, मतलब इसको भी हम मल्टीपर्पस यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर देखो ये किस टाइप का दिख रहा है, ये आप देख रहे होंगे ना ओपनर आपको किस टाइप का दिख रहा है, और इसी तरह से अगर मैं दूसरा निकालता हूँ तो ये बिल्कुल शेप चेंज हो जाता है, ये ओपनर अलग दिखता है बिल्कुल ये रहा। तो भाई इनको मैं यहीं पर रख देता हूँ इस तरह से। और ओपनर की अगर क्वालिटी की बात करें ना भाई, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, हाथ में लेते फील हो रहा है कि हाँ कोई अच्छी चीज़ पकड़ी है। ये होता है हमारा साइड से खोलने के लिए, कोई भी मोबाइल की हमें बॉडी निकालनी है अपने फ़ोन, मतलब LCD बॉडी ओपन करनी है, बैक ओपन करना है, या LCD फ्रेम से बाहर निकालनी है, तो ये जो ओपनर है हमारा वहाँ पे काम आने वाला है। और इस ओपनर की अगर यहाँ से बात करें तो ये भाई ये होता है मेटल के अंदर, तो भाई ये होता है ये मेटल के अंदर ये रहा। इसके बाद भाई ये वाला, फिर जैसे मैंने अभी आपको एक ये किट दिखाई थी, अब उसके बाद एक आता है ये वाला, ये आता है हमारा कुकू कंपनी का, इसके अंदर भी मल्टीपर्पज होता है। इसके अंदर जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, वो कितने इन वन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर लिखा तो नहीं है, बाकी मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। भाई ये जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का, ये यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर होता है, एक बिट इसमें यहाँ लगी होती है, एक के साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर पीछे इसके अंदर बिट दी गई होती है 4, तो इसमें टोटल मिला के इसके अंदर 5 बिट के साथ ही आपको मिलने वाला है। और 5 बिट क्या काम आती है इसके अंदर मैं आपको देख के बता देता हूँ कि भाई ये आप इससे प्लस भी है, माइनस भी है, 6 हेड भी है और 4 हेड भी है, मतलब सारे के सारे हेड इसके अंदर दिए गए। और ये आईफोन की अगर बात करें तो आईफोन में काम आती है नहीं आती है, आईफोन में नहीं, ये भाई ये एंड्रॉयड के लिए दी गई है, एंड्रॉयड में अच्छे से ये आपको काम में आने वाली है, क्योंकि कोई भी हमारे भाई बेसिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आईफोन पे थोड़ा ना जाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हो गई हमारी एक और। उसके बाद भाई ट्यूज़र की बात करें तो ये रिलाइफ कंपनी की, यहाँ पे ट्यूज़र देख पा रहा हूँ, और रिलाइफ कंपनी कोई लोकल कंपनी नहीं, चाइना की अच्छी कंपनी होती है, जो कि रिलाइफ कंपनी की यहाँ पे मैं आपको ट्यूज़र दिखा रहा हूँ। नहीं है भाई ट्यूसर के बाद अगर इसकी बात करें तो आगे T7000 निकलने वाली है इसके अंदर। इसका क्या है, ये आती है भाई हमारे फ्रेम चिपकाने के काम आती है, बैक ग्लास आपने ओपन करा उसके काम आती है, या बॉडी को कहीं से खुल जाती है तो उसको मतलब चिपकाने के काम आती है, ये आती है भाई हमारी T7000। सिंगल पीस भी अगर आप इसका लेना चाहते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है वहाँ पर। और ये टोटल आइटम जो दिखाने वाला हूँ ना मैं आपको 31 आइटम दिखाने वाला हूँ, 31। इसके बाद भाई हमारी 3 तरह की टेप आती है, ये वाली जो टेप देख रहे हैं भाई ये आती है हमारी सिल्वर टेप, ये आती है हमारी IC वगैरह जब आप लगाएंगे तो आपको IC वगैरह जब आप लगाएंगे तो मदरबोर्ड से आपको निकालने के काम आएगी, मदरबोर्ड में लगाने के काम आएगी, किसी दूसरे कंपोनेंट पे हीट ना जाए, IC पे ना जाए, ये तो वहाँ लगने वाली है। और ये दोनों टेप जो है ये मल्टीपर्पज यूज में होती है, कोई अगर इसको LCD फ्रेम के अंदर लगाना चाहता है तो वहां पर भी लगा सकते हैं, बैटरी चिपकाना चाहते हैं बैटरी भी चिपका सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज में ये दोनों टेपें आ जाती हैं। तो ये थी भाई इसके अंदर 3 टेप इसके अंदर निकलनी है।
तीन टेप के बाद भाई यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ ये रहा मल्टी टैक का निकला है, इसके अंदर एक कटर निकला है, ये रहा मल्टी टैक का कटर। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो 06 मॉडल है और ये इस टाइप का यहाँ पर ये भाई देखो कटर दिखने वाला है। मल्टी टैक की तो क्वालिटी नो डाउट होती ही अच्छी है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं भाई। मल्टी टैक के बाद भाई थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं। ये निकलती है हमारी एक कटिंग वायर, ये निकलती है हमारी कटिंग वायर, क्या काम आती है, ये आती है भाई हमारे जो हमारा सेपरेटर, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, सेपरेटर के ऊपर रख के आप कोई भी डिस्प्ले काटते हैं तो ये इसको जो सेपरेट करने का काम आएगी वो ये वाली वायर आती है काम में। इसको भी अगर आप सिंगल पीस भी परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आप पूरा का पूरा सेट परचेज करना चाहते हैं तो वो भी मैंने लिंक दिया है भाई। ये देखो एक आ गया रोजिन हमारा, तो इसके अंदर भाई इस टाइप की एक रोजिन निकलती है, इसकी एक डब्बी, ये पूरी की पूरी डब्बी होती है। इसकी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये 20-30 रुपए के आसपास की आइटम है, सिंगल पीस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। उसके बाद भाई देखो कई भाई ऐसे होते हैं जो नया काम स्टार्ट करते हैं वो सारे के सारे मतलब बैटरी वगैरह चार्ज कहाँ से करेंगे, हर किसी के पास पावर सप्लाई वगैरह तो नहीं होती। ये जो बोर्ड दिया गया है ना भाई, ये जो बोर्ड दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है, आपके काम आएगा। ये बोर्ड क्या काम आने वाला है भाई, ये बोर्ड काम आने वाला है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। इधर की अगर बात करें तो आईफोन 4G का टाइम देखो चला गया, मगर इसके अंदर अभी भी है, लेटेस्ट के अंदर भी 4G से लेके आप इसको 6, 7 के बाद X8 वगैरह सारे के सारे 11 Pro मैक्स मगर सारे के सारे मॉडल तो भाई देखो इसके अंदर अभी भी कवर हो रहे हैं। और इसके अंदर इधर की बात करें तो इधर MI आ जाएगा, वीवो आ जाएगा, मतलब Xiaomi आ जाएगा, सैमसंग आ जाएगा, इधर भी ओप्पो आ जाएगा, मतलब इसके अंदर Huawei वगैरह सारे के सारे इसके अंदर भी भाई देखो दिए गए हैं। ये आपके सामने ये वाला एक बोर्ड, इससे अंदर क्या रहेगा, इधर यहाँ पर सिर्फ आपको एक चार्जर लगाना है, V8 वाला, और V8 लगाने के बाद आप अपनी बैटरी कोई भी इससे चार्ज कर सकते हैं। ये तो भाई इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। तो भाई बात यहीं खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर से पैकेट के अंदर से एक निकला है हमारा, ये रहा फेल्कोन। ये जो फेल्कोन है ये होता है हमारा भाई देखो 530 मॉडल, 530 जो होता है आप सब जानते हैं ये क्या काम आता है। अगर आप इससे डिस्प्ले वगैरह लगाते हैं, OCA वगैरह का काम करेंगे, तब आपको डिस्प्ले लगा OCA लगाने से पहले डिस्प्ले क्लीन करने के जो काम आएगा वो यही काम आने वाला है आपका 530 जो होता है वो ये। चलिए ये भी मैंने आपको दिखाया, एक साइड रख दिया। एक साइड रखने के बाद भाई कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैंने दाएं बाएं रखी हुई हैं। अब आप कहेंगे भाई इतनी सारी चीज़ें दिखा दी, मोबाइल ओपनर तो कोई भी नहीं दिखाया, तो भाई मोबाइल ओपनर की बात करें तो ये रहा मोबाइल ओपनर। इसमें अलग अलग तरह के काफ़ी सारे लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6 तीन छोटे तीन बड़े इस तरह से इसके अंदर लगे हुए, मेरे ख्याल से 12 पीस का ये सेट हो गया एक तरीके से, हाँ 12 पीस का ये सेट हो गया। तो भाई ये है ये ओपनर, ये प्लास्टिक का होता है, बॉडी को नुकसान नहीं देता, हाथों नखून वखूनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हो गया भाई। इसके बाद भाई एक आता है ये हमारा ब्लेड का सेट पूरा का पूरा, तो भाई ये जो पूरा का पूरा ब्लेड का सेट आता है ना वो होता है हमारा इस टाइप का भाई। इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लेड दिए गए हैं, क्वांटिटी की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके अंदर भाई 10 तरह के ब्लेड यहाँ पर दिए गए हैं, 11, 12, 13 और 3 इधर लगाए हुए हैं, मतलब 13 ब्लेड इसके अंदर हैं और अलग अलग डिज़ाइन के ब्लेड हैं। आप अगर हार्डवेयर वगैरह का कोई भी काम करेंगे तो इससे आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो ट्री है ना ये बंद भी हो जाती है, जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे, इसको अगर आप बंद करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगी जिमेक्ट्री की तरह, नो डाउट भाई। ये अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को क्योंकि हर किसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है इसकी। तो भाई बात यहीं पे खत्म नहीं होती, कई भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई अगर हम काम करेंगे तो अपने काउंटर पे हमें माइक्रोस्कोप शुरू में नहीं है हमारे पास, तो हमें फोकस के लिए क्या करना होगा, तो भाई फोकस भी करेगा, फोकस के अलावा ये आपका वैसे काम भी करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। तो भाई ये है मैक्स पम्मा की लाइट, मैक्स पम्मा की जो लाइट होती है ये होती है LED वाली लाइट होती है, और यहाँ पर इसके अंदर ये बटन दिया गया होता है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अंदर भाई यहाँ की अगर बात करें ना तो इसके अंदर LED दी गई है, इसके अंदर ट्यूबलाइट नहीं है, LED दी गई है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप इसको रखेंगे, कोई भी आप चीज़ बड़ी करके देखना चाहते हैं तो आप इससे बड़ी करके भी देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अगर इस चीज़ को भी आप बड़ी करके देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, फोकस जैसे ही आप सेट करेंगे अपने हिसाब से वो हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें अगर रिपेयरिंग करना है तो इस तरीके से हम बैठ के यहाँ से रिपेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे देखने में हमें बहुत बड़ा दिखता है। तो भाई ये था इसके अंदर एक लैंप, जो कि मैं इसको एक साइड रख देता हूँ। भाई इतनी बात खत्म नहीं होती, इसके बाद भाई बात आती है RD के सेपरेटर की। ये आता है एक RD का सेपरेटर जिसका मॉडल नंबर है RD 943। चलिए RD की अगर क्वालिटी की बात करें तो मैं इसका ये प्रोडक्ट RD के मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि किस टाइप के इनके प्रोडक्ट होते हैं, चलिए आज वही देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही मैंने भाई इसको यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे इसके अंदर एक यूज़र गाइड निकल गई है कि किस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कौन सा बटन क्या काम करने वाला है वो पूरा
पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर भाई एक निकलती है, यहाँ पर हमारी पावर केबल निकलती है, और पावर केबल के बाद भाई यहाँ पर निकलता है हमारा आरडी का सेपरेटर। आरडी का सेपरेटर के ऊपर ही भाई इन्होंने यहाँ पर रबड़ का मैट लगाया हुआ है, जिससे कि हम अपनी एलसीडी के ऊपर लगाएंगे और एलसीडी से काट सकते हैं इजीली। बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रहा भाई हमारा सेपरेटर। आरडी वालों ने भाई अच्छा सेपरेटर बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है हाथ में देखते ही पता चल रहा है कि हाँ भाई हाथ में कुछ चीज़ पकड़ रखी है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने ऑप्शन भी अच्छे खासे दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शन है तो है क्या। सबसे पहले फ्रंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने आरडी का मेंशन करा हुआ है अपना ब्रांड नेम, और यहाँ पर मेटल की प्लेट लगाई हुई है। मेटल की प्लेट के साथ यहाँ पर इन्होंने एक वो दी हुई है पीएलसी, और यहाँ पर इन्होंने एक इसका ऑन ऑफ स्विच दिया है। यहाँ पर दिया है इन्होंने पंप को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। और ऐसे अगर इधर बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिया इसका एक सॉकेट, और यहाँ पर दिया इन्होंने एक फ्यूज। ये जो आप अलग से देख रहे हैं ये वाला, ये दिया इन्होंने अलग से एक, कई भाइयों को ऐसा होता है ना पर वैक्यूम ज़्यादा चाहिए होता है तो इसके अंदर पंप आप अलग से लगा सकते हैं, वैक्यूम पंप। इसके अंदर भाई क्वालिटी उन्होंने बना के दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सील भी लगा के उन्होंने दिए। चलिए सील की तो बात छोड़ दो, इसकी प्लेट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर प्लेट भी देख रहे होंगे ना तो प्लेट भी आपको डबल दिख रही है। यहाँ पर एक दिख रही है गोल्डन और दूसरी दिख रही है यहाँ पे सिल्वर, डबल प्लेट के अंदर बनाया हुआ है। और एलिमेंट की बात करें तो भाई इसके अंदर एलिमेंट भी इन्होंने दो यूज़ कर रखे हैं, एक की बजाय दो एलिमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं क्योंकि दोनों तरफ से वायर गई हुई है। भाई बहुत अच्छा है। और अंदर की अगर देखूँ तो क्या दिख रहा है अंदर, अंदर भी भाई कुछ नहीं, वो एक पावर सप्लाई दिख रही है और एक इसके अंदर जो पंप होता है पंप दिख रहा है। भाई ये अगर सेपरेटर की बात करें तो आरडी वालों से तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा ही है, हाथ में लेने से पता चल रहा है, फिनिशिंग वगैरह ज़बरदस्त है। मतलब अगर इसकी बात करें तो इंडियन नहीं है, इम्पोर्टेड ये आपने बनवा रखा है, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। चलिए भाई उसके बाद सबका चाहिदा ब्रांड आ जाता है मैक्स पम्मा। मैक्स पम्मा जो होती है ये क्या होती है भाई, ये होती है हमारी ऑटो कट एसएमडी होती है। ऑटो कट एसएमडी होने के साथ मॉडल नंबर जो लिखा होता है इसमें 850 ए लिखा होता है, और मैक्स पम्मा इधर देख रहे हैं, और ये दिख रहा है आपको एसएमडी रिवर्क स्टेशन। तो भाई ये है एसएमडी रिवर्क स्टेशन। एसएमडी रिवर्क स्टेशन तो मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, बाकी मैं फिर भी आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये होती है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर इस टाइप की एसएमडी होती है। हैंडल की बात करें तो हैंडल इस टाइप का होता है, और नोजल किस टाइप की लगी होती है ये आपके सामने। इस नोजल को तो छोड़ो, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एयर कंट्रोलर दिया गया है, यहाँ पर जो दिया है इन्होंने हीटिंग कंट्रोलर दिया है, ये इन्होंने एक स्विच लगा के दिया है। और ऑटो कट होती है, जैसे ही आप इसको हैंडल को आप इसके यहाँ पर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो भाई ये था इसके अंदर। अब इसकी कॉस्ट क्या कह रही होगी चलिए मैं बता देता हूँ। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं यही लेकर आया था, ये काफ़ी सारे टूल हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस तक के टूल हैं, जो हमारे भाई नया काम स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या सोच रहे हैं यार हमें कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप ओपन करनी है या घर में अपना काम का पार्ट टाइम में काम करना है, तो इस किट को लेकर आप कोई भी आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सब चीज़ का प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको एक बाय करना है एक कर सकते हैं, या पूरी लिस्ट के हिसाब से बाय करना है तो ये सारे के सारे बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले टाइम में नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।